नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक 3 अगस्त 2023 दिन गुरुवार का हो चुका है। देश भर की प्रमुख आलू मंडियों से आलू के ताज़ा तरीन भाव लेकर आपके बीच हाजिर हूं। नज़र डालेंगे आज देश भर की प्रमुख आलू मंडियों में कौन सी मंडी में रही तेजी, कौन सी मंडी में रही गिरावट और कहाँ हुई हसन के नए आलू की शुभ मुहूर्त और पूजा अर्चना के बाद क्या रहे उसके भाव बताएंगे आपको। हसन के नाम पर बरगलाई गई आप लोगों को कि उन बहरूपियों के बारे में जिन्होंने 24 घंटे आप लोगों को दिलासा दिया, भ्रमित में डालने का काम किया, स्थिति क्या है बात करेंगे। आज कौन सी मंडी में जो है 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति पैकेट 37-97 आलू बिके, हाइब्रिड कहाँ 900 रुपये प्रति पैकेट तक बिके। तो निवेदन मेरा आपसे यही रहेगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं देश भर की प्रमुख आलू मंडियों में क्या रहे आज आलू के भाव। तो किसान साथियों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे बेंगलोर मंडी के बारे में, क्योंकि बेंगलोर की मंडी में हसन के आलू की आज आवक हुई है। 120 से लेकर 150 पैकेटों की आवक हुई है। हसन के नाम पर आप लोगों को बीते कई महीनों से बेवकूफ बनाया जा रहा था। कभी कोई हसन में लहसुन गाड़ रहा था, तो कोई हसन में अदरक गाड़ रहा था, यहाँ तक कि कोई तो उसमें हल्दी ही गाड़ रहा था, कोई तो 25% बता रहा था, कोई 4.5 लाख पैकेट बता रहा था। लेकिन सभी आशंकाओं को धत्ता बताते हुए हसन के हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राज्य सरकार व यशवंतपुरा मंडी समिति ने आज अपना जो है स्टेबिलिटी ओपन कर दी। अगर बात की जाए बेंगलोर के कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की और जिला कृषि रक्षा अधिकारी हसन के, तो उनके मुताबिक हसन में 8.5 लाख पैकेट आलू का इस बार लगाया गया था, जिसमें पेप्सी कंपनी का भी था और राशन का आलू भी था। कई दिनों से आप जो है फेसबुक ग्रुपों में जरूर देख रहे थे कि जो हसन का आलू आया था, कोई उसे पेप्सी का बता रहा था, कोई उसे राशन का बता रहा था, लेकिन स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई, वो राशन का ही आलू था। आज बेंगलोर की मंडी में शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर आरतियों द्वारा किया गया है और उसका जो रेट खोला गया है किसान साथियों, 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति पैकेट का रेट जो है हसन के आलू का खोला गया है। तो ऐसे में जिन लोगों द्वारा आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था कि इतना लगाए उतना लगाए, आज उस पर पर्दा हट गया। हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो हसन का कृषि अधिकारी और DM हसन द्वारा ये इस बात की पुष्टि की गई है, 8.5 लाख पैकेट जो है इस बार हसन में आलू का किसानों द्वारा उत्पादन किया गया था। ऐसे किसान जिनके द्वारा आलू का बढ़िया उत्पादन किया गया है, उन्हें विशेष तौर पर सम्मानित किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा। तो ऐसे में आप समझिए, जो लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे वो सिर्फ आप लोगों को व्यूअर सब्सक्राइबर बढ़ा रहे थे, बाकी और कोई काम नहीं है। आज जो है आप साइड में भी देख रहे हैं हसन के आलू का शुभ मुहूर्त हुआ है। तो ऐसे में अब जो है अपने आलू की अपनी आवश्यकता के अनुसार निकासी कीजिए। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर स्थितियाँ गड़बड़ हुई तो आप ये मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि सोनू ने बहुत बढ़िया बात बताई थी लेकिन हमने मानी नहीं। लेकिन सोनू चौधरी आपको फिर दोबारा से कह रहा है, याद आए हमारी तो रोना नहीं, हम तो आपको आज़ादी का रंग चढ़ा के चले थे। याद रखना, हम तो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे रहे थे कि आप ये होने वाला है, लेकिन आप लोग जो हैं अंधभक्ति में चूर थे, किसी ने क्या कह दिया आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि वो बढ़िया कह रहा है या घटिया कह रहा है, वो मन की बात कह रहा है ये कह रहा है। देखिए, सबका अपना अपना फंडा होता है, लेकिन जो किसानों के साथ रहता है, जिन्हें किसानों से मतलब होता है, वही आप लोगों को सीधी सच्चाई बताते हैं। तो ऐसे में आप लोगों से निवेदन मेरा यही रहेगा, देखिए हमेशा सच्चाई को स्वीकारिए, सच्चाई ज़िंदगी और काम आने वाली है। अगर आप इस तरीके से बात करोगे, फलाना ये कह रहा है कि ढिकाना ये कह रहा है, तो आप लोग जो हैं फिर गर्त में चले जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन यही है, सच्चाई स्वीकार लीजिए, हसन में अच्छी तादाद में आलू लगाया, और अगर इसके टाइम की बात करें तो ये लगभग 60 दिन तक चलने वाली फसल है। 60 दिन तक हसन में परस्पर आलू चलता रहेगा। अब जो है हसन के मंडी में हसन का आलू मंडियों में प्रेशर से आना शुरू होगा। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे मंडी भावों से। तो सबसे पहले हम बेंगलोर मंडी की यशवंतपुरा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 37-97 आलू जो है 1000 रुपये प्रति पैकेट तक बिका है, 950 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट तक एक्स्ट्रा सुपर VVIP नीचे में बिके हैं, 700 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट में। ऐसे में मौके को हाथों हाथ बनाइए,
घर पे मत बैठिए, ये समय घर पे बैठने का नहीं है। अगर आप घर पे बैठ गए तो आप जो है अपने आलू से हाथ धो बैठेंगे, फिर किसी पर एलिगेशन लगाते फिरना कि उसने ये कह दिया कि उसने ये कह दिया। ये समय आप लोगों का अब घर में बैठने का नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के करूँगा, ये समय घर में बैठने का नहीं है, अपने आलू के दामों को भुनाने का है। बात करेंगे अब जो है आपके इंदौर के आलू की, बेंगलोर की मंडी में, माफ़ कीजिएगा, हसन बरवा निकल रही है, क्योंकि यहाँ आज जो है शुभ मुहूर्त हुआ है, आड़तियों द्वारा किया गया है, 120 पैकेटों की आवक हुई है, तो खुशी तो लाजमी है कि भाई जो हमारे द्वारा सच्चाई बताई गई थी वो अब जो है सामने आ रही है, तो सच्चाई का ही सभी साथ देते हैं। बात करेंगे अब जो है आपके मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में आज जो है टोटल 60 गाड़ियों की आवक हुई है। उत्तर प्रदेश की सूखे आलू जो हैं 14 रुपये किलो से लेकर 15.5 रुपये किलो तक बिके हैं किसान साथियों। गीले आलू 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक बिके हैं। इंदौर के आलू 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बिके हैं, बढ़िया में बिके हैं। और देखिए गुजरात के आलू 10 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक बिके हैं, यहाँ 15 गाड़ी बैलेंस बचेगा। हमारा एक मकसद यही रहता है कि आप प्यारे किसान साथियों, आप सभी को अपनी मेहनत का फल मिलता रहे, लेकिन आप लोग जो हैं आपने हम सच्चाई बता देते हैं तो फिर आप लोगों को दर्द होता है। देखिए मैं सच बोलता हूँ तभी आप लोगों को दर्द होता है, अगर मैं भी झूठ बोलने लग जाऊँ तो फिर मुझ में और उनमें क्या अंतर रहेगा। वो तो 14 रुपये किलो को भी भयंकर तेज़ी बता देते हैं, लेकिन मैंने कभी 14 रुपये किलो को तेज़ी नहीं बताई है। मैं तेज़ी बताता हूँ 19 और 20 रुपये किलो को। आज जो स्थिति चल रही है मैं आपको बता रहा हूँ तेज़ी है, मैं आगे के भविष्य का कोई गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि सभी को पता है कि आपने जो है अपने आलू की दो दो तीन तीन बार सैंपल निकलवा लिए हैं, बोली भी देख ली है कि हमारा आलू किस कैटेगरी का है। आलू अगर 1000 रुपये मंडी में बिक रहा है तो वो एक्स्ट्रा सुपर बिक रहा है, बढ़िया क्वालिटी का बिक रहा है, बिल्कुल कोई भी तो उसमें दाग धब्बा नहीं है, ऐसे आलू बिक रहे हैं। तो निवेदन यही है, अपनी आवश्यकता के अनुसार आलू निकालते रहिए, किसी की बातों में आने की अपेक्षा। राजस्थान अलवर की बात करेंगे तो 9 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक बढ़िया में आलू बिके हैं। गुवाहाटी की मंडी में आगरा की 2 गाड़ियों की आवक हुई है, 17.5 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक बिके हैं, तेज़ी आई है यहाँ पर। फरुखाबाद की 3 गाड़ियों की आवक हुई है, 15.5 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक बिके हैं, तेज़ी आई है 1 रुपये की। अगर बात की जाए नासिक की मंडी में तो 21 गाड़ियों की आवक है, 11 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक बढ़िया में आलू बिक रहे हैं, नासिक में भारी बारिश देखने को मिल रही है। जयपुर की मंडी में बादलों की आवाजाही के बीच 58 गाड़ियों की आवक हुई है, 9 रुपये किलो से लेकर 12.5 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। वीवीआईपी लॉट जो है 13 रुपये किलो तक भी बिके हैं। चेन्नई मंडी की बात करेंगे तो किसान साथियों, शुरुआत में मैंने बता दिया था उत्तर प्रदेश की 17 गाड़ियों की आवक है, 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बढ़िया में आलू बिके हैं। कॉलर की आलू यहाँ 6 गाड़ियों की आवक है, 23 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। पूना की मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, पूना की मंडी में भारी बारिश देखने को मिल रही है, 26 गाड़ियों की यहाँ आवक हुई है, 12 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक उत्तर प्रदेश के आलू बिके हैं। कारण क्या है कि पूना की मंडी में उत्तर प्रदेश का आलू जो है काफ़ी ढीले भाव पर बिक रहे हैं, जबकि मुंबई आज तेज़ है, चेन्नई तेज है, बेंगलोर तेज है। आखिर कारण क्या है, गाड़ी भी काफ़ी कम है, 26 गाड़ियों की आवक है, समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये आड़ती जो है पूना के कर क्या रहे हैं। कम गाड़ी पे आवक होने पे दाम नीचे जा रहे हैं और ज़्यादा गाड़ी आ जाती हैं तो दाम जो है साथ में आसमान पर पहुंचा देते हैं। कहीं इनका कोई ट्रेडर से जो सप्लायर हैं कहीं इनसे सांठ गांठ तो नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनकी पूना की मंडी के आड़तियों की सांठ गांठ हो, ऐसे सप्लायर और जो ऑर्डर एजेंट हैं उनसे कि आज जो है इस रेट में बेचना है और हम जो है किसान से इस वो करेंगे। माइकोल्डो पे जाते हैं तो सीधे सीधे पहले ही किसानों को भयभीत कर दिया जाता है कि आज मंडियां डाउन है, और जबकि मंडियां कोई भी डाउन नहीं है सिर्फ पूना को छोड़ के। तो ऐसे में तो मुझे तो कोई ना कोई संशय जरूर नज़र आ रहा है। किसान साथियों अगर आपको संशय नज़र आ रहा हो तो आप भी जरूर कमेंट करके बताइए कि मुझे बहुत ज़्यादा संशय है, क्योंकि जिस दिन पूना की मंडी में 36 या 40 गाड़ी पहुंचती हैं उस समय जो रेट होते हैं वो जो है 14 रुपये किलो से लेकर 16, 17, 18 रुपये किलो तक होते हैं, और जब मंडियाँ गाड़ी कम होती हैं तो नीचे होते हैं। कहीं ना कहीं लफड़ा जरूर है, इसकी जाँच बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे आज़ादपुर मंडी की, तो किसान साथियों 132 गाड़ियों की यहाँ आवक हुई है। बात करेंगे यहाँ पर 37-97 आलू सूखे हुए शुगर फ्री बिकता है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं पहले, आजादपुर मंडी में टोटल प्लास्टिक बैग में शुगर फ्री आलू बिकता है 37-97 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट। चिप्सोना आलू 650 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट। सूर्य आलू 800 रुपये से लेकर 900 और 1000 रुपये प्रति पैकेट, जैसा आलू वैसे दाम। T7 यहाँ पर 700 रुपये से लेकर 750। हल्द्वानी आलू 1000 रुपये से लेकर 1050-1100 रुपये प्रति पैकेट। LR पंजाब वाले 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट। हाइब्रिड 450 से लेकर 500 रुपये प्रति पैकेट तक गए हैं। बात करेंगे आजादपुर मंडी में बीते 3 दिनों से 80 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति पैकेट तक की गिरावट दर्ज की गई है। तो ऐसे में आप लोगों से मेरा निवेदन यही है
जितना भी बेवकूफ़ किस्म के लोग, बहरूपिया टाइप के लोग आप लोगों को झूठी दिलासा दे रहे हैं, इन झूठी दिलासाओं से बचिए। आलू अगर आपका कोल्ड से 1,000 रुपये प्रति पैकेट बिके, उसे तो मानेंगे हम तेजी। हम लोगों ने आप लोगों को 1 महीने पहले बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि अगर मैं इस ती को 14 या 15 रुपये किलो वाली को तेजी नहीं मानता हूँ। ये जो बहरूपिया तेजी और ये कर रहे हैं, ये करने दीजिए। मेरे लिए तेजी है 19 से 20 रुपये किलो की, जहाँ पर किसानों को 700 या 750-800 रुपये प्रति पैकेट के दाम अपनी जेब में सेफ बच जाएँ, बिल्कुल सब कुछ काट पीट के, वो है तेजी। लेकिन कई लोगों द्वारा इतना जहर घोला गया, जिस तरीके से देश भर में जहर घोला जा रहा है, और मैं एक नाम नहीं लूँगा क्योंकि जहर घोलने वाले आपने बहुत देखे होंगे, घर पर बैठ के जहर घोल देते हैं, दोनों वर्गों को आपस में लड़ाते रहते हैं। तो यहाँ पर यूट्यूबर पर भी एक बहरूपिया जहर घोलने का काम कर रहा है किसानों के बीच में, और सच्चाई किसानों तक आने की नहीं दे रहा है, और किसानों को भी लग रहा है बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप इस समय पर भाव चल रहे हैं, जो मंडियों में 1,000-1,100 रुपये प्रति पैकेट तक आलू बिक रहे हैं, और आपको 700, 750 या 800 तक के कोल्ड स्टोर पे दाम मिल रहे हैं, फिर आप घर पे बैठे हुए 1,000 रुपये के चक्कर में क्या आप 1,000 रुपये भी देखेंगे? क्योंकि कई लोगों द्वारा जब आलू सस्ता चल रहा था उस समय पे किया गया था, 600 रुपये अगर सोनू भाई बिक जाएगा, और सुनिए, जिसको आप भगवान मानते हो, जिसको आप अपना बाप मान चुके हो, स्वघोषित बाप, उसकी भी कमेंट में मेरे पास सेव है, उसमें भी कई लोगों ने कहा था कि शर्मा जी अगर 600 रुपये हो जाएगा तो हम अपने आलू को निकाल देंगे। आज शर्मा जी कह कह के थक गए, लेकिन बाबूजी अब सपने देख रहे हैं 800 के, अब 750 हो गया, अब 800 में भी कहने लगे, अब तो 1,000 रुपये प्रति पैकेट बिकेगा। अब इसमें न तो शर्मा जी का दोष, न ही सोनू चौधरी का दोष, अब दोष किसका है? आपका। क्योंकि 600 रुपये में 600 रुपये बिकने लग जाएगा तो मैं बेच दूंगा, नहीं बेचा, फिर बोल दिया 800 होगा तो 800 में बेच दूंगा, आज 750 तक के दाम है, फिर भी आप लोग नहीं बेच रहे हैं, अब आपको सपने आ रहे हैं 1,000 रुपये के। अगर 1,000 रुपये नहीं बिका तो ऐसे ही घर पे बैठे रहे, तो एक अनुमान के मुताबिक 35% आलू जो है गौशालाओं में जाने के लिए तैयार खड़ा है। इसमें न शर्मा का दोष है, न सोनू चौधरी का दोष होगा, इसमें सिर्फ आपके लालच का दोष होगा, क्योंकि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, वैभव शर्मा हो या सोनू चौधरी हो। ये सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अपने आलू के अच्छे दाम मिल जाएँ। बाद बाकी हम लोगों को क्या है, वो दुकान पर बैठ गए, हम कहीं पर भी बैठ के वीडियो बना के आपको जागरूक कर रहे हैं, ताकि आप जो हैं समय रहते जागरूक रहें, और कुछ बहरूपी टाइप के लोगों से सावधान रहें जो आप लोगों को इधर उधर से घुमाते रहते हैं, और बाकी काम उनका कुछ नहीं है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि जितना बड़ा मुखौटा उतना ही छोटा सांप, तो ऐसे में बचते रहिए इन लोगों से। और निवेदन मेरा आपसे रहेगा, निकासी परस्पर अपनी आवश्यकता के अनुसार करते रहिए। बहरहाल मेरे साथ वीडियो में इतना ही, आपका दिन शुभ।